फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बाल गोपाल के लिए वेलवेट के हैंकी से ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। विद इसके साथ हम कैप भी सिखाएंगे। आप ये देख लीजिएगा कि आप हैंकी कौन सा ले रहे हैं। हमने जो हैंकी लिया है थोड़ा स्ट्रेचेबल है, ये बहुत ही इजीली कान्हा जी को पहनाया जा सकता है। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले जो हमने ऊपर शर्ट कट करनी है उसके लिए हमने 5.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है इस तरह से, और 2.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। और उसके बाद जो हम फ्रिल लगाएंगे उसके लिए हमने 3 इंच चौड़ाई रखी है, और हैंकी की जितनी भी लेंथ है हमने उसे पूरा कट कर लेना है। ये हमारी लंबाई के लिए और चौड़ाई के लिए। देखिए, सबसे पहले हम शर्ट के लिए एक सीधी पट्टी कट कर रहे हैं। अगर आप इसे हाथ पे सिलेंगे तो इसमें मार्जिन के लिए कमी कपड़ा लगेगा, और अगर आप इसे मशीन पे सिल रहे हैं तो मार्जिन के लिए थोड़ा 1/2 इंच ज़्यादा कट कीजिएगा। तो देखिए, ये हमारी शर्ट के लिए पट्टी कट हो गई है, ये इस तरह से। ये देखिए, एक पट्टी हमने फ्रिल के लिए कट कर ली है। अब जितनी ज़्यादा इसकी लंबाई लेंगे उस अकॉर्डिंगली इसमें ज़्यादा चुन्नटें आएंगी इस तरह से, और ये अपने आप इजीली गोल भी हो जाती है। ये देखिए, हमने एक साइड पे तो ये पट्टी जो है हम ऊपर लेके आएंगे इस तरह, इसके ऊपर, और जो इस साइड की पट्टी है इस साइड पे हम इस तरह फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा देंगे। देखिए, हमने इस साइड पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने इसको नेक का कट करने के लिए इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह मार्क करके एक छोटा सा वी कट देंगे, और इस साइड पे बाजू का कट करने के लिए इस तरह 1/2 गोलाई में से कट कर देंगे। ये देखिए, हमने वी कट कर लिया है। इसके बाद इसको इस तरह रख के इस तरह तीनों साइड को एक दूसरे के ऊपर रख के इन दोनों को इकट्ठे मार्क करके इस साइड से हम कट कर देंगे। ये हमारी दोनों बाजू की कटिंग आ जाएगी खोलने के बाद। ये देखिए, इस साइड पे हमने बाजू का कट कर दिया है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब इन दोनों को हम इस तरह उल्टा करके फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इन दोनों के ऊपर शोल्डर पे सीन लगाएंगे ताकि ये दोनों साथ में अटैच हो जाए, और फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीन लगाने के बाद ही हमारी शर्ट का ऊपर का पोर्शन तैयार हो गया है। इस साइड पे हम अंदर बटन लगा सकते हैं और इसे आराम से भी बंद हो जाएगी। टिच बटन भी लगा सकते हैं, अगर आप दूसरे बटन लगाएंगे तो इन पे आई बनानी पड़ेगी। और इसके बाद जो हम ये फ्रिल बनाएंगे, फ्रिल के ऊपर इस साइड पे हम लैस लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस फ्रिल को शर्ट के साथ इसे उल्टा करके इस तरह इसे अटैच करेंगे इस तरह चुन्नट डालते हुए। आप इसे हाथ पे भी लगा सकते हैं, और चाहे तो मशीन के साथ भी एक सीधी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, हमने इसकी फ्रिल अटैच कर ली है, ये एक लॉन्ग कोट टाइप बन गया है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसकी कैप बनाने के लिए हमने इस तरह एक ट्रायंगल शेप में कपड़ा कट किया है। आप चाहे तो इसकी इस साइड पे भी लैस लगा सकते हैं, और इसके बाद इसको उल्टा करके इस साइड पे सिलाई लगाएंगे, और फिर इस साइड से हम इसे जैकेट की इस बैक साइड पे अटैच कर देंगे। ये देखिए, हमने इसकी एक साइड पे लैस लगा ली है। अब इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमने इसके उस कॉर्नर पे लैस लगाई है जो उनके सर के फ्रंट साइड पे आएगा। सिलाई लगाने के बाद जब इसे हम सीधा करेंगे तो ये लैस एक साइड पे ही आएगी इस तरह से। ये देखिए, हमने कैप अटैच कर ली है। कैप अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।